ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं साइंस की, और साइंस में अपन ने पहले भी पढ़े थे। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो रेलवे एग्ज़ाम में या सभी एग्ज़ाम में आजकल फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में देखने को मिला, मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, डिग्री क्वेश्चन ये है, डिग्री सेल्सियस व डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने में संबंध, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने में संबंध हम देखना चाहते हैं। और सभी परीक्षाओं में आपको इसका एक प्रश्न देखने को लगभग मिल ही जाता है। लगभग परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखे गए हैं। मैं प्रश्न भी दिखा दूंगा आपको, कौन कौन से प्रश्न इसमें से आप लोगों से अब तक पूछे गए हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस व डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने में संबंध, इन दोनों पैमानों में संबंध है क्या, तो बात को समझना। एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर सी बाई 100, ये इन दोनों में संबंध है। पहला प्रश्न तो मेरा यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि मैंने लिखा एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर सी बटे 100। बात को समझने की कोशिश करना, अगर वो परीक्षा में आपसे केवल संबंध पूछता है तो आप केवल ये संबंध बता दीजिएगा जो कि परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है। लेकिन मैं परीक्षा की दृष्टि से इसमें से प्रश्न जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसे आप देखें। इसमें से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसे अपन 20 से काट लेते हैं 9 बार और इसे भी 20 से काट लेते हैं 5 बार। तो मेरे पास जो निकल कर आया वह आया एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर सी बटे 5। अब मैं बात करूं कि मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर सी बटे 5, और इसको मैं अगर सीधा सीधा समझने की कोशिश करूं तो ये मेरा हो जाएगा एग्ज़ाम जुगाड़। देखिए, हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, वहाँ हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जब हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो हम शॉर्ट में ध्यान रखें एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर सी बाई 5, इसको हम सोल्व करें और इसके प्रश्न जो हमसे पूछे गए वो प्रश्न आप देखें। इसने हमसे प्रश्न पूछा 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलिए। हमसे कहा 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलिए, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में कैसे बदलेंगे? तो आप समझना, उसने हमें क्या दे दिया, डिग्री सेल्सियस में दे दिया 25, इसकी जगह हम 25 रख देंगे। तो हम कैसे लिखें, तो हम लिख सकते हैं 25 बटे 5, सी की जगह 25 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन 9, ये सही है। अब अगर हम चाहें तो उसको वैसे के वैसे ही जमा लें जैसे आप सोच के बैठे हैं, ये लो अपन तो वैसा का वैसा ही लिख दें, ताकि हम लिख दें एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर 25 बटे 5। मैंने क्या किया, सी की जगह 25 रख दिया। अब होगा क्या, हम इस 9 को इधर लेके चलें तो होगा क्या, f माइनस 32 बराबर 25 इंटू 9 बटे 5। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। आगे मैं इसको भी सोल्व करूँ तो f माइनस 32 अप बराबर 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 बटे 5। एक काम करें, इस 5 से इन 225 को अपन थोड़ा सा काटापीटी कर लेते हैं तो अपने को पता लग जाएगा 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 2 बचा तो 5 25 45 बार कटा, 45 बार कटा तो बचा क्या, f माइनस 32 बराबर 45।
तो f बराबर क्या हो जाएगा, 45 प्लस, इसको उधर से इधर लाएंगे तो प्लस के 32, तो बराबर 77 डिग्री फारेनहाइट। इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डिग्री फारेनहाइट में कितनी होती है, 77 होती है। एक चीज़ अपन और क्लियर करें, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें। 27 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें तो अपन क्या करेंगे, f माइनस सेम 32 अपॉन 9 बराबर 27/5। जब हम इसे सोल्व करेंगे f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर 27/5, इसको भी हम कैलकुलेशन से सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, f माइनस 32 बराबर 27 इंटू 9/5, यही होगा। इसको अपन सोल्व करें, f माइनस 32 बराबर, इसको इससे गुणा कर दो, ये आया 243/5। 243/5 को 243 को 5 से जब हम काटेंगे तो काट लेते हैं 4×5=20 बचा 4, 8×5=40 बचा 3.6 48.6। तो f माइनस 32 बराबर 48.6, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 48.6 प्लस 32 तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 80.6 डिग्री फारेनहाइट। तो हमने कहा कि 27 डिग्री सेल्सियस को जब डिग्री फारेनहाइट में बदला जाता है, हमने कहा 27 डिग्री सेल्सियस को जब डिग्री फारेनहाइट में बदला जाता है तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 80.6 डिग्री फारेनहाइट। एक और चीज़ हम साथ के साथ इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी देखें। क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदले, इसको आप सोल्व कर लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ। f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर c/5, तो f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर c कितना है, 37/5। तो f माइनस 32 बराबर 37 इंटू 9/5, और आगे जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कर लोगे सेम क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन में आपको इसका दिखाना चाहूँगा, 39.9 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें। जब 39.9 डिग्री सेल्सियस को, तो आप इसमें भी f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर c/5, तो c की जगह 39.9/5, और जब इसको भी आप वही f माइनस 32 इक्वल टू 39.9 इंटू 9/5, यही होगा। देखें आप, यहाँ से उठा के अपन ने ऊपर रखा, यहाँ से उठा के ऊपर रखा, यहाँ से उठा के भी हमने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया। इसको भी आप सोल्व कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103.8 समथिंग, 82। ये हमने इसको भी सोल्व किया। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदले, तो f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर 100/5, तो f माइनस 32 बराबर 100 × 9/5, तो f माइनस 32 बराबर 900/5,
इससे ये कटा 180 बाहर, तो f माइनस 32 बराबर 180, तो f बराबर 180 प्लस 32 बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ तक भी हमने बात की। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन रह जाता है जिसे भी हम सोल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें। क्या हो जाएगा? एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर माइनस 40 बटे 5। एफ माइनस 32 बराबर माइनस 40 इंटू 9 बटे 5। तो f माइनस 32 बराबर माइनस 360 बटे 5 यही होगा। इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा 72 बार, तो f माइनस 32 बराबर माइनस 72, तो f बराबर माइनस 72 प्लस 32, तो बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट। दोस्तों आपने देखा होगा हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर किए। हमने कहा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलने के लिए हमने लिखा f माइनस 32 अपॉन 9 बराबर c बाई 5। इस सूत्र से हमने कुछ क्वेश्चन किए। पहला कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलें तो आपका आंसर आया 77 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा हमने कहा 27 डिग्री सेल्सियस को, तीसरा मैंने कहा 37 डिग्री सेल्सियस को, चौथा मैंने कहा 39.9 डिग्री सेल्सियस को, पांचवा मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस को, और अगला मैंने कहा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को। यही प्रश्न मैंने आपको क्यों दिए? आप पुराने जितने भी एग्जाम देखेंगे उनमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट के लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों में आप देखना यही संख्या यही प्रश्न बार 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 पूछे गए हैं। और आजकल कंपटीशन में होता क्या है, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि इन प्रश्नों के तो आप आंसर रट के ही जाएं कि किसका आंसर क्या आने वाला है, ये पहले से आप कैलकुलेशन रखें। इसके अलावा मैंने यही प्रश्न परीक्षाओं में क्यों देखे, ज़रूर इन प्रश्नों का कोई ना कोई कारण रहा होगा, वह कारण क्या रहा होगा वो भी देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस को क्यों पूछा गया तो उसका कारण जाने, उसका कारण है कमरे का सामान्य ताप। अगर कोई आपसे पूछता है कमरे का सामान्य ताप कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बिल्कुल रटा रटाया कॉन्सेप्ट है कि कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब थोड़ी देर पहले आपने 27 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदला तो आपने क्या लिखा, 80.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कमरे का सामान्य ताप कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और 27 डिग्री सेल्सियस अगर उसके ऑप्शन में नहीं है तो आप बता दीजिएगा 80.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। एक और चीज़, दूसरा हमने कहा 27 के बाद 37 वह है मानव शरीर का सामान्य ताप। अब मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है तो आप याद रख लीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस को हमने सोल्व किया तो सोल्व करते कितना आया, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है तो आप बोलिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में पूछता है तो आप बोल देना 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया उसमें लिखा हमने 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको भी मैं बताता हूं। पानी उबलता है तो आप बोल दीजिएगा 100 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर पर, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब एक खास बात, हमने एक और क्वेश्चन किया, उसमें हमने लिखा था 27 लिखा, 37 लिखा। एक और याद रखना, स्तनधारियों में मैमल्स में स्तनधारियों में सर्वाधिक ताप बकरी के रक्त का होता है। याद रखना, दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बकरी के रक्त का है। अब हमने कहा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बकरी के रक्त का है तो वह है कितना, तो याद रखना 39.9 डिग्री सेल्सियस या 103.8 दो डिग्री फॉरेनहाइट। बात समझना मेरी, इसका मतलब जितना हम नॉर्मल यूँ कह सकते हैं कि जितना हम बुखार में गर्म होते हैं इतना तो बकरी के ब्लड का टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। एक और क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार आप लोगों से पूछा गया, कितने ताप पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने के मान बराबर होते हैं। तो आप बता दीजिएगा -40, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, -40 को सोल्व किया तो डिग्री सेल्सियस में भी -40 ही था और डिग्री फॉरेनहाइट में भी -40 ही उसका आंसर निकल कर आया। तो शायद मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि इन 4-5 प्रश्नों को बार बार पूछने का कारण यही रहा होगा कि इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ था। थोड़ा सा मैं एक बात पर आगे और जाना चाहूँगा, इसमें मैं ये कहूँ कि अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। अब जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है तो आपको, जब डिग्री, मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी केल्विन में निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना है। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना है, जिसमें वही टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हम किस तरीके से इसके प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिले वो आप भी देखें। इसने क्वेश्चन किया मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। हमसे क्वेश्चन किया गया कि मानव शरीर का सामान्य ताप होता है और चार ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, सी 310 केल्विन और डी सभी। तो याद रखना, मैंने कहा मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप तो हम जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फॉरेनहाइट में बदला जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है, और 37 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 में आप 37 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, सभी सही है। एक और क्वेश्चन देखें आप, पानी
उबलता है। अब इसके भी चार ऑप्शन हैं, ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर, सी 373 केल्विन पर और डी सभी। तो आप देखें, हमने कहा पानी उबलता है, पानी उबलता है, हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब 100 डिग्री सेल्सियस को अगर फॉरेनहाइट में चेंज करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चेंज किया था 212 डिग्री फॉरेनहाइट, और अगर उसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो एक बात बताओ, 100 में आप 273 और जोड़ देंगे तो 373 केल्विन, तो आंसर क्या आ जाएगा सभी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को भी, फॉरेनहाइट में को भी और केल्विन को भी। और परीक्षाओं में जो अब तक देखा गया है, आप पूर्व परीक्षाओं के एग्ज़ाम के जितने भी पेपर आपके पास हैं वो देख लीजिएगा, परीक्षा में डिग्री सेल्सियस को या तो वो फॉरेनहाइट में चेंज करवाता है। वैसे तो 99% डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में ही चेंज करवाता है, पर फिर भी अगर वह केल्विन में भी चेंज करवाए तो आप सीधा याद रख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में क्या कर दीजिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा इसने जो हमसे प्रश्न और भी पूछे, वो प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने कहा निम्न में से क्या गलत है, निम्न में से क्या गलत है, ए डिग्री सेल्सियस, बी डिग्री फॉरेनहाइट, सी डिग्री केल्विन, डी डिग्री रूमर। इसने हमसे कहा निम्न में से क्या गलत है, तो सीधा सा याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर जाएगा कि क्या गलत है। तो इसमें जो गलत आंसर है वह है डिग्री केल्विन। क्यों गलत है तो उसे मैं आपको बता देता हूं, केल्विन पर डिग्री नहीं लगाई जाती है। ध्यान देना, मैंने कहा क्यों गलत है, तो हमने कहा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर लिखा हुआ था, मतलब डिग्री सी, डिग्री एफ, डिग्री के, डिग्री आर लिखा हुआ था। और सीधी सी बात है कि केल्विन पर डिग्री नहीं लगाई जाती और यहाँ डिग्री लगा रखी थी, इसलिए ये गलत है। इसने क्यों गलत है तो मैंने कह दिया इस पर डिग्री नहीं लगाई जाती, लेकिन क्यों नहीं लगाई जाती तो उसको भी याद रख लीजिएगा, क्यों। तो याद रखना, क्योंकि केल्विन में प्रकट टेम्परेचर, प्रकट ताप परम ताप होता है, इसलिए नहीं लगाई जाती है। तो आपसे एक प्रश्न फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक परम ताप है, तो ध्यान देना वो परम ताप ही कौन है, तो वो परम ताप, मान लीजिए हमसे पूछ ले कौन सा एक परम ताप है, तो केल्विन क्या है, केल्विन एक परम ताप है। अब थोड़ी सी अपन इसकी बात और करें, हम करना इतनी देर से क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलें, तो हमने डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदला। हमने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तो हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला। फिर हमने कहा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलें, तो हमने उसमें भी बदला, मतलब हमने डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में भी बदल लिया और केल्विन में भी बदल लिया। अब हम इसके बाद एक और बात करें, है क्या, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ कुछ सिस्टम हैं जो कुछ अलग तरीके से चलते हैं। ये पैमाने होते हैं, और वैसे तो मैंने आपको बता दिया अब तक तो जितनी भी लगभग परीक्षाएं हुई है उनमें से यही प्रश्न आप लोगों से इसमें से पूछे गए हैं। फिर भी हर सिस्टम का एक हिस्सा होता है, हर बार प्रश्न थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़कर आता है। इस बार और देखते हैं, एक ये प्रश्न जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया, कितने डिग्री ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट पैमाने के मान बराबर या समान होते हैं, तो हमने राइट आंसर दिया -40 डिग्री ताप पर, जो कि परीक्षाओं में कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। अब मैं बात करूं, एक शब्द है हिमांक, आइस पॉइंट। नाम से लग रहा है आइस पॉइंट हिमांक है क्या, तो आप सीधा सा याद रख लीजिएगा, जमते हुए बर्फ के ताप को ही हिमांक कहते हैं। मैंने कहा जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहते हैं। अगर कहीं भी आपको एक शब्द सुनने को मिलता है हिमांक, क्योंकि ये मिलेगा, हिमांक मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जमते हुए बर्फ के ताप को ही क्या कहा जाता है, तो जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहा जाता है। मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, समझना बात को। जैसे मैंने यहां लिखा ताप, फिर इसके बाद मैंने लिखा हिमांक, ताप में अपन देख लेते हैं, पहले आते हैं क्या इसमें, डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन। चलो दोस्तों अपना काम हो जाएगा, डिग्री रूमर और डिग्री रैंकिन ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैंने यहाँ कहा हिमांक, जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहा जाता है, तो हम सीधी सी बात करें, डिग्री सेल्सियस में हिमांक जो होगा वह कितना होगा, तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो पूछे डिग्री फॉरेनहाइट में जो हिमांक होगा वह कितना होगा, तो आप याद रखना 32 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर वो पूछे केल्विन में हिमांक कितना होगा, तो आप बताना 273 केल्विन। अगर वो पूछे रियोमर में कितना होगा, तो 0। और वो पूछे रैंकिन में तो कितना होगा, 492। RE ये मैंने यहां तक लिखा। ये सब क्या है, हिमांक। हिमांक का मतलब जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस का कितना है, 0। डिग्री फॉरेनहाइट का कितना है, डिग्री सेल्सियस का कितना है, 0। डिग्री फॉरेनहाइट का कितना है, 32। केल्विन का कितना है, 273। डिग्री रूमर का कितना है, 0। और डिग्री रैंकिन का कितना है, तो आप बोल दीजिएगा 452 RE। अब थोड़ा सा बात को समझना, अब आता है एक और पॉइंट, उसका नाम है भाप बिंदु। भाप बिंदु, और भाप बिंदु की हम बात करें, स्टीम पॉइंट, भाप बिंदु। वैसे तो आपको नाम से लग रहा होगा भाप बिंदु है क्या, तो याद रखना पारे के 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को, पारे के
760 mm. अच्छा याद रखना, जब वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है तो एक कॉलम में जो पारा भरा जाता है वो कितना भरा जाता है, तो 760 mm भरा जाता है, या फिर आप बोल दीजिएगा 76 सेंटीमीटर mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल का ताप, के ताप को। अब बात समझना, मैंने कहा हिमांक क्या है, तो मैंने कहा जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहा जाता है, और दूसरा मैंने कहा भाप बिंदु क्या है, तो मैंने कहा पारे के 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को ही भाप बिंदु कहा जाता है। अब हम एक चीज और क्लियर करें कि हमने सभी पैमाने जो थे डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन र्यूमर रैंकिन, इन सब में हमने सबका हिमांक लिखा, अब हम सबका लिखते हैं भाप बिंदु। तो सीधा सा याद रख लीजिएगा किसका भाप बिंदु कितना है, तो डिग्री सेल्सियस पर जो भाप बिंदु है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे पूछा जाए डिग्री फॉरेनहाइट पे कितना है, तो सीधा सा याद रख लीजिएगा, थोड़ी देर पहले लिखा भी था हमने 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर वो पूछे केल्विन पर कितना है, तो आप बोल दीजिएगा 373 केल्विन। अगर वो पूछे र्यूमर पर कितना है, तो सीधा सा याद रख लीजिएगा 80 र्यूमर। और अगर वो पूछे रैंकिन में कितना है, तो 672 रैंकिन। इस तरीके से हमने ये इनके सबके, अगर आपसे किसी का भी एक्स वाई जेड किसी का भी पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा डिग्री सेल्सियस का पूछे 100, डिग्री फॉरेनहाइट का 212, केल्विन का 373, र्यूमर का 80 और रैंकिन का 672। अब अगर बात करते हैं कि परीक्षाओं के प्रश्न के हिसाब से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया उसे हम निकाल कर लाए कहाँ से थे, तो आप याद रखना बराबर के भाग। तो बराबर के भाग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें से इसको घटाओ आप, कितना आ रहा है आपके पास 180 डिग्री फॉरेनहाइट। इसमें से आप इसको घटाएं तो कितना आएगा आपके पास 100 केल्विन। इसमें से आप उसको लेस करोगे तो कितना आएगा 80 डिग्री र्यूमर, और इसमें से आप उसको घटाओगे तो कितना आएगा 180 डिग्री रैंकिन। ये मैंने यहाँ तक की बात आपके सामने की कि किसका। अब यहाँ से हमने फिर से दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने कहा डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन र्यूमर और रैंकिन, इन सबके हिमांक क्या हैं। तो पहली चीज, हमसे अगर ये पूछा जाता है कि हिमांक होता क्या है, तो हमने कहा जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहा जाता है। तो जमता हुआ बर्फ का ताप डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, वही हिमांक कहलाएगा। डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा 0, फॉरेनहाइट पर कितना होगा 32, केल्विन में कितना होगा 273, र्यूमर में कितना होगा 0 और रैंकिन में कितना होगा 492। फिर मैंने कहा भाप बिंदु है क्या, तो पारे के 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहा जाता है। तो सेल्सियस में कितना होगा 100, फॉरेनहाइट में 212, केल्विन में 373, र्यूमर में 80 और डिग्री रैंकिन में 672। अब बराबर के जब भाग निकालने थे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अब समझना आप बात को, कि जरूर डिग्री सेल्सियस का पैमाना 0 से स्टार्ट होता है। पहला डिजिट 0 होगा, लास्ट डिजिट अगर 100 होता है,
तो आप एक बात बताओ, जीरो से लेके 100 तक जाने में कितने बराबर के भाग आए? तो सिंपल सी बात, 100 भाग आए। मैं कहूँ डिग्री फॉरेनहाइट का पैमाना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 32 से। तो पहला पॉइंट क्या आया, 32। तो गिनती भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 32 से। और 32 से कहाँ तक चलेगा, 212 तक चलेगा। तो मैं 32 को एक गिनूँ, 33 को दो गिनूँ, 34 को, इसी तरीके से कंटिन्यू गिनता जाऊँ, तो आप इसमें से इसको जब माइनस करते जाओगे तो आपके पास बराबर के भाग निकल कर आते चले जाएंगे। कोई तुमसे पूछ ले किसी भी तरीके से कि केल्विन का पैमाना स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब उसका हिमांक कहाँ पर है, तो आप बोल दीजिएगा 273। और कहाँ तक जाता है, मतलब उसका भाप बिंदु कहाँ पर है, तो आप बोल दीजिएगा 373। कोई तुमसे पूछे इसमें बराबर के कितने भाग है, तो आप बोल दीजिएगा 373 माइनस 273 बराबर 100। बराबर 100। इस तरीके से हमने इसे कोशिश की। अब मैं इसमें से जो आपके सामने हम जो फॉर्मूला निकाल कर लाए, वो किस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला उसको भी हम देखते हैं। जिस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, आप समझने की केवल इसे कोशिश करें कि हमने इसका फॉर्मूला निकाला कैसे होगा। फिलहाल के लिए मैं इन परिभाषा को हटाता हूं, समझना कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए वो उसकी मर्जी हो, जैसा ही पैमाना पूछे, हम प्रत्येक पैमाने का आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर देंगे वो समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा सी, तो आप सीधा सा लिखें सी बटे 100। सी बटे 100 मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, तो सी का हिमांक कितना है, जीरो, इसलिए माइनस जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी माइनस जीरो बटे 100, तो सी माइनस जीरो की वैल्यू सी के बराबर ही होगी, इसलिए मैंने लिख दिया सी बटे 100। अब बात करें, जैसे मान लीजिए एफ निकालना होता तो हम कैसे निकालते, तो याद रखना एफ माइनस क्या लिखूं, एफ माइनस 32 अपॉन बराबर के भाग कितने आए, तो बराबर के भाग आए कितने f में, f माइनस 32 बराबर के भाग 180, तो हम लिख देंगे f माइनस 32 बराबर 180। अगर इन दोनों में कोई संबंध निकालना होता तो हम कैसे निकाल कर लाते, तो संबंध को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, c माइनस 0 बटे 100, 100 क्या है, बराबर के भाग, आपको बटे में बराबर के भाग ही लिखने हैं। आगे देखें, चलो मैं एक साथ सारे पैमाने दिखा देता हूं, मर्जी हो जैसा उठा के देख लेना आप। एफ, इसके बाद मान लीजिए मैं यहां के लेता तो आप सीधा सा कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 273 से, तो क्या लिखते, के माइनस 273 बटे बराबर के भाग कितने हैं, तो बराबर के भाग कितने, 100, तो क्या हो जाएगा 100। ठीक इसी प्रकार आप और देखें, अगर मुझे लेना पड़ता र्यूमर तो मैं क्या लिखता, आर माइनस कितना, वही जीरो। अब आर माइनस जीरो है तो सिंपल सी बात, मुझे जीरो लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब मुझे जब जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जीरो माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट आर बटे बराबर के भाग कितने, 80 बराबर, बचा कौन, रैंकिन, तो आर माइनस कितना, 492 बटे बराबर के भाग कितने, 180, यही होता। तो मैंने लिखा क्या, c बटे 100। अच्छा ये नीचे जो बटे में लिख रहे हैं वो सब इनके बराबर के भाग हैं, आप देखें 100 बराबर के भाग है, f में 180 है, और देखें k में 100 है, r में आप देख लें 80 है, और क्या नाम से, रेकिन में आप देख लें 180 है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैंने क्या किया, परीक्षा की दृष्टि से आप मर्जी हो जैसे टुकड़े को, मर्जी हो जैसे काम लो, जैसे अगर वह इन दोनों को पूछ रहा है तो इस कैलकुलेशन को सोल्व कर दो, अगर वह इन दोनों को पूछ रहा है तो आप इस वाली कैलकुलेशन को सोल्व कर दो, अगर वो मर्जी हो जिसको पूछे उस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, परीक्षा की दृष्टि से इसे थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की और इन्हें काट लिया सबको 20 से, तो 20 से कटा कितनी बार, 5 बार, 20 से कटा 9 बार, 20 से कटा 5 बार, 20 से कटा 4 बार, और 20 से कटा 9 बार।
यही कटा। अब ये कटा तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो फॉर्मूला क्या निकल कर आया, तो C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5 बराबर R बटे 4 बराबर R E बटे 9। इस तरीके से आपसे अगर इस तरीके से कोई से भी पैमाने में कहीं से भी संबंध पूछे आप आसानी से बता सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, इसी को तो चेंज किया है, F माइनस 32 अपॉन 9 बराबर C बटे 5। मर्जी हो जहां से प्रश्न पूछे, इस पैमाने में से आज तक जितने भी प्रश्न लगभग कंपटीशन में आप लोगों से पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न मैंने इसमें आपको दिखा दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को देखें। और सबसे पहली चीज, आप पुराने एग्जाम पेपर को जरूर देखें कि प्रश्न पूछा कहाँ से गया है। होता क्या, एक्चुअली हम लोग लंबी लंबी डेफिनेशन या परिभाषाएं पढ़ते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रश्न बनता कहाँ से। कई बार प्रश्न इतने सीधे बनते हैं कि इतना सीधा हम पढ़ते ही नहीं है, और कई बार प्रश्न इतने टफ भी बनते हैं कि इतने टफ तक हम जाते ही नहीं। हम परीक्षा का पैटर्न देखें कि परीक्षा में प्रश्न बनाए कहाँ से जा रहे हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स की भी बात करेंगे, केमिस्ट्री की भी बात करेंगे, जियोलॉजी बॉटनी की भी बात करेंगे। थैंक यू साथियों।